हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास टेंथ। और बिहार बोर्ड क्लास टेंथ 2024 कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मानव नेत्र। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मानव नेत्र तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नेत्र के बारे में जानेंगे। चलिए एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा, रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। क्या कर, रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। नेत्र के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इस ये जो रेखा है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पुतली। क्या बोला जाता है इसको? इसको पुतली बोला जाता है, इसको पुतली बोला जाता है। और ये देखिए क्या है, और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन जो होता है 8 ग्राम होता है। कितना वजन होता है आपका? 8 ग्राम। व्यास कितना होता है इसका? 2.3 सेंटीमीटर। और ये जो साइड वाला भाग है इसको आयरिस या परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयरिस या परितारिका बोलते हैं। देखिए आयरिस और परितारिका, इस भाग को क्या बोला जाता है? ये जो बीच वाले भाग इसको आयरिस या परितारिका बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, और इस भाग को क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। तो ये देखिए निर्भर है कि किस पे निर्भर है? आयरिस पे। ये कैसा होता है? काला, नीला, भूरा, ये सभी टाइप का होता है। मस्तिष्क से संबंधित डायबिटीज और मधुमेह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पक्षी पेशी रेटिना, रेटिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। आई ऑप्टिक तंत्रिका को प्रवास और कांच द्रव को, और नेत्र लेंस, आयरिस, परितारिका, कॉर्निया और पुतली। देखिए सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ एक बार देख लेंगे। और देखिए यहाँ दिया हुआ, पक्षभागी पेशी, दृष्टि पटल, द्वि पत्रिका, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निका, कांच द्रव और क्रिस्टियल लेंस, जल द्रव, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल। आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आँखों के अध्ययन को ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है। आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है। आँखों का अध्ययन ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, आँखों में जीरो थैलेमिया बीमारी कारण आंसू सूख जाते हैं। आँखों में जो होता है जीरो थैलेमिया बीमारी कारण क्या होता है? आँखों आंसू सूख जाते हैं। जीरो थैलेमिया बीमारी कारण कौन सा क्या हो जाता है? आंसू सूख जाते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया, नेत्रदान में क्या क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। मानव आँख में आंसू लैक्रिमिनल ग्रंथि से निकलता है। मानव आँखों में आंसू लैक्रिमिनल ग्रंथि से निकलता है। आंसू में सैलोइलिक अम्ल पाया जाता है। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैलोइलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है आंसू में? सैलोइलिक अम्ल पाया जाता है। आंसू का पीएच मान 6.5 से 7.6 तक होता है। आंसू का पीएच मान 6.5 से 7.6 तक होता है। एक आंख 150 सेंटीमीटर तक देख सकती है। एक आंख कितना सेंटीमीटर तक देख सकती है? एक आंख जो है आपका 150 सेंटीमीटर तक देख सकती है। नेत्र गोलक
उभय उत्तल होता है, नेत्र गोलक जो होता है उभय उत्तल होता है, नेत्र गोलक आपका उभय उत्तल होता है। मनुष्य की आंख की क्षमता होती है, मनुष्य की आंख की क्षमता होती है 576 MP, मनुष्य की आंख की क्षमता 576 MP होता है। मनुष्य एक मिनट में लगभग 12 से 16 बार पलके झपकता है, मनुष्य एक मिनट में लगभग 12 से 16 बार पलके झपकता है, कितना बार झपकता है 12 से 16 बार। शरीर के अनुपात के आधार पर हिरण की आंख सबसे बड़ी होती है, शरीर अनुपात के आधार पर हिरण की आंख जो होती है सबसे बड़ी होती है, किसकी आंख सबसे बड़ी होती है, हिरण की। नेत्र गोलक का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकते हैं, 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक, 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकते हैं। एक आँख का आकार 25 मिलीमीटर व्यास का होता है, इसका वजन लगभग 8 ग्राम का होता है। एक आँख का आकार 25 मिलीमीटर व्यास का होता है और इसका वजन लगभग 8 ग्राम का होता है। दोनों नेत्र का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है, दोनों नेत्र का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। आँखों भी हमारे सपनों में भाग ले सकती है, आँखों जो हमारे सपनों में भी भाग ले सकती है, आँख भी हमारे सपनों में भाग ले सकती है। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए, मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए। वस्तु को सामने से हटा लेने पर भी 1/10 सेकंड तक उस वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पर बन पर रहता है, वस्तु को सामने से हटा लेने पर भी 1/10 सेकंड तक उस वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर रहता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एड्स और मस्तिष्क रोग से ग्रस्त व्यक्ति आँख दान नहीं कर सकता, एड्स और मस्तिष्क रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है आँख दान नहीं कर सकता है। आँखें हर सेकंड 50 अलग अलग वस्तुओं को ध्यान में केंद्रित करती है, आँखें जो हर सेकंड 50 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। आँख से अधिक जटिल एकमात्र अंग मस्तिष्क है, आँख से अधिक एकमात्र जटिल अंग कौन सा है, मस्तिष्क है, कौन सा है, मस्तिष्क है। आँखें लगभग 10 मिलियन विभिन्न रंगों में, आँखें जो है 10 मिलियन विभिन्न रंगों में अंतर कर सकती है, कितने, 10 मिलियन विभिन्न रंगों में अंतर कर सकती है। खुली आँखों से छींकना असंभव, खुली आँखों से छींकना जो है असंभव है, क्या है, खुली आँखों से छींकना असंभव है। ऑटो अमोटोफोबिया आँखों में डर या डर की भावना होती, ऑटो अमोटोफोबिया आँखों में डर या डर की भावना है। 80% शिक्षा आँखों से होती है, 80% जो शिक्षा जो होती है किससे होती है, आँख से ही होती है। 80% आपको यदि शिक्षा चाहिए तो किससे होगा, आँख से ही होगा। आँखें 1.7 मील दूर मोमबत्ती की लौ को पता लगा सकती है, आँखें जो है 1.7 मील दूर मोमबत्ती की लौ को भी पता लगा सकती है। हेटरोक्रोमिया एक ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति की आँखों की पुतली का रंग अलग हो जाता है, हेटरोक्रोमिया एक ऐसी घटना है जिससे किसी व्यक्ति की आँखों की पुतली का रंग अलग हो जाता है। नेत्र गोलक का केवल 1/6 भाग ही दिखाई देता है, नेत्र गोलक का कितना, 1/6 भाग ही दिखाई देता है। पुतली दबाने वाले यंत्र शरीर में सबसे तेज सिकुड़ने वाली मांसपेशी, पुतली दबाने वाली यंत्र शरीर में सबसे तेज से सिकुड़ने वाली मांसपेशी है, सबसे तेज सिकुड़ने वाली मांसपेशी है। ऑप्टिकल तंत्रिका में 10 लाख से अधिक तंत्रिकाएं कोशिका, ऑप्टिकल तंत्रिका में 10 लाख से अधिक तंत्रिकाएं हैं। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो
जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जिसे आप प्यार करते हैं तो आपके दृष्टि फैली हुई अवस्था में 45% पहुँच सकते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो आप दृष्टि फैली हुई अवस्था 45% तक देख सकते हैं। हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों में आँखों का नियंत्रित करने वाला मांसपेशी सबसे अधिक सक्रिय होता है। हमारे शरीर की सबसे मांसपेशियों में आँखों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी सबसे अधिक सक्रिय होती है। नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो तभी कामयाबी के ख्वाब देखना होगा। नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो तभी कामयाबी के ख्वाब देखना होगा। यदि आपको 450 प्लस लाना है तो आप पूरे जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपको यदि 450 प्लस नंबर लाना है तो कम से कम आपको मिनिमम आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? 6 से 7 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, तब तो फिर आपको 450 प्लस नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग लग जाइए, क्योंकि अब जो समय है बहुत कम है। क्योंकि आप देखिए जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मात्र आपके पास 6 महीना, क्योंकि जनवरी फरवरी का महीना नहीं जोड़ा जाता। तो आपके पास कितनी महीने हैं? 6 महीने। 6 महीने में देखिए पर्व भी कितने हैं। तो चलिए देखते हैं आपका ये दिया हुआ है सब कुछ। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आयरिस पुतली पक्ष, पढ़ते समय हमारे आंखों में पलके कम बार झपकती है। हमारे आंखों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां हमारे शरीर के अन्य मांसपेशियों से ज़्यादा संवेदनशील, होती है। मस्तिष्क का सबसे जटिल भाग, मस्तिष्क के सबसे जटिल अंग क्या होते हैं? आँख होते हैं। दुनिया में बहुत सारे जीवों में आँख दो होते हैं, लेकिन मधुमक्खी के आँख 5 होते हैं। दुनिया में जो है दुनिया में बहुत सारे जीवों के आँख 2 होते हैं, लेकिन मधुमक्खी के आँख कितने होते हैं? 5 होते हैं। मधुमक्खी कितने आँख होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शुतुरमुर्ग की आँखें उसकी दिमाग से बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग की जो आँखें होती हैं उसके दिमाग से बड़ी होती है। गोल्ड फिश मछली अपनी आँखें बंद नहीं कर सकती क्योंकि उनके पलके नहीं होते हैं। गोल्ड फिश मछली जो है अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती क्योंकि उनके पलके नहीं होते हैं। कुत्ते और इंसान दो ऐसे जीव हैं जो किसी की आंखें देखकर उसका हाव भाव पता देते हैं। आँखों का रंग आँखों के आयरन्स मौजूद मेलानिन की मात्रा से तय होती है। नीली आँखों वाले लोग में मेलानिन थोड़ी मात्रा में कम होती है। गिरगिट
एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है। गिरगिट जो है एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है। कौन? गिरगिट। गिरगिट गिरगिट एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं देख सकता है। गिरगिट एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं देख सकता है। कुत्ता और हरे लाल रंग में अंतर नहीं पता लगता है। कुत्ता को हरे और लाल रंग के में अंतर नहीं पता लगता है। किसको? कुत्ता। हमारे आँखों में जबरदस्त मेडिकल पावर होती है। इनमें से धूल मिट्टी कण को छानने की क्षमता होती है, और अगर कभी आँख के शीशे पर थोड़ी बहुत स्क्रैच लग भी जाती है तो आँखें उसे 48 घंटे के अंदर ठीक कर लेती हैं। हमारी आँखों में जबरदस्त मेडिकल पावर होती है। इनमें से धूल मिट्टी कण को छानने की क्षमता होती है, और अगर कभी आँखें में शीशे में थोड़ी बहुत स्क्रैच लग जाती है तो आँखें 48 घंटे के अंदर उसे ठीक कर लेती है पुनः। कुछ लोगों की दोनों आँखों का रंग अलग अलग होता है, इसे हेरोचोरिमा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों की आँखें दोनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। स्मोकिंग करने वाले लोगों को रात में स्पष्ट देखने की क्षमता घट जाती है। जो स्मोकिंग करते हैं उसको रात में स्पष्ट देखने की क्षमता घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? मानव नेत्र में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदल कर दूरी तथा नज़दीक की वस्तु साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना बनाता। इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मानव नेत्र में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिससे इसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर तक तथा नज़दीक की वस्तु को साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना बनाता है। इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लगभग कितना नेत्र स्पष्ट दृष्टि कितना सेंटीमीटर देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर या 0.25। स्पर्शता से न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। स्पर्शता से न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट साफ साफ देख सकता है उसे न्यूनतम दूरी को ही स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कहते हैं। जिसे डी से सूचित किया जाता है। यह दूरी समानता 25 सेंटीमीटर पर होती है। यह दूरी कितनी दूरी पर होती है? 25 सेंटीमीटर पर होती है। मानव नेत्र की अधिकतम दूरी से आप क्या समझते हैं? जिसे अधिकतम बिंदु तक मानव नेत्र की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना बन सकता है उस अधिकतम बिंदु को मानव नेत्र की अधिकतम दूरी या बिंदु कहते हैं। समानता या दूरी अनंत होती है। समानता या दूरी क्या होती? अनंत होती है। दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? कई कारण जैसे मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले या बाद बनने लगता है। आँख के इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। आँख के इसी दृष्टि को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर या निकट की वस्तु को देखने में परेशानी होती है तो उस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अभिदुनता, मोतियाबिंद, रतुंधी। निकट दृष्टि दोष से क्या होता है? दिखता है, निकट साफ दिखता है। कहाँ? निकट साफ दिखता है। और दूर दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर साफ दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में साफ साफ दूर दिखाई देता है और नज़दीक में दिखाई स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष
जरा दृष्टि दोष में क्या है? दूर जरा जरा और नजदीक जरा जरा, दूर भी जरा जरा कम कम दिखाई देता है और नजदीक भी जरा जरा, और पढ़ा नहीं जा सकता है। इस दोष का कारण क्या है? कहाँ रेटिना से नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम है, नेत्र लेंस का लंबा है, नेत्र लेंस का मोटा, लेंस या रेटिना के बीच की दूरी पड़ जाना। निकट दृष्टि के होने के कारण को लिखें। निकट दृष्टि के होने के कारण है फोकस दूरी का कम होना, लेंस की लंबाई और लेंस की रेटिना के प्रतिबिंब लेंस का मोटा हो जाना। निकट दृष्टि का निकालने वाला क्या ज़्यादातर दूर, ज़्यादा दूर अवतल उत्तल दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। दृष्टि दोष चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और ये आपका फिजिक्स का मानव नेत्र का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।